रेल पथ मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने 5,000+ क्वेश्चन कराने के लिए मैं वीडियो में बोला हूँ कि मैं कराऊंगा। मेरे रेल पथ मास्टर चैनल में 4 से 5 लड़के काम कर रहे हैं। IRPWM जो जो मैनुअल है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, दोनों मैनुअल का। मैंने ये क्वेश्चन बैंक होने के बाद वो मैनुअल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सभी लड़के जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट लड़के हैं। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, वो क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैनुअल में देखिए क्वेश्चन जो है वहाँ थ्योरी वाइज दिया गया है, आपको दिक्कत होती है पढ़ने में, इसलिए हमारी टीम क्या कर रही है, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना ले रहे हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में जो है थ्योरी टाइप का क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो हम लोग सोच सोच के कि आखिर से में एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, उस प्रकार ही हम लोग मैनुअल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को LDC JEE इंजीनियरिंग PWA एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होंगे, जो कि 20% निकालते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम से। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए इन ग्रेड 880 MPA रेल्स MPA ए स्टैंडर्ड्स फॉर, तो कहते हैं कि 880 MPA में MPA का अर्थ क्या होता है। तो MPA का अर्थ जो होते हैं वो होते हैं मेगा पास्कल। इसका करेक्ट आंसर है मेगा पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर्ड टू MM रेल 880 एंड हायर ग्रेड रेल्स आर हैविंग। देखिए अगर 880 से अधिक रेल में ग्रेड रहे तो उसमें क्या होता है उसके, तो वो हो जाता है मोर हार्डनेस, मोर यूटियस, ब्रिटल, यानी इसमें सभी इसका उत्तर हो जाएगा, सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, रोलिंग मार्क्स ऑफ रेल गिव्स दी फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। रोलिंग मार्स रेल के किस चीज़ का जानकारी देता है, रोलिंग मार्स रेल का किस चीज़ का जानकारी देता है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो इसमें देखिए पढ़ लेते हैं सभी ऑप्शन, तब पता चलेगा कि इसका क्या उत्तर होगा। तो रेल का सेक्शन, रेल का ग्रेड, माउंथ ईयर एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें ऑल हो जाएगा, ये ऑल हो जाएगा, सभी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, रोलिंग मार्क ऑफ ए रेल इज, रोलिंग मार्क रेल में क्या है, क्या बताते हैं रोलिंग मार्क, तो बताइए आप लोग ये क्या क्या बताते हैं। रोलिंग मार्क्स ऑफ ए रेल्स, रेल्स में रोलिंग मार्क क्यों होते हैं और क्या बताते हैं ये लोग, रोलिंग मार्क्स में क्या होते हैं क्या बताते हैं, तो बताइए आप लोग इसका क्या उत्तर होंगे। देखिए ये होते हैं ब्रांडेड ऑन वन साइड ऑफ वेव, यानी एक साइड जो है वेव के एक साइड ब्रांड के नाम रहते हैं भाई। पहला ये तो सही ही है, रोलिंग मार्क में तो होता ही है, रोलिंग मार्क जो रेल होते हैं ये तो होता ही है। चलिए दूसरा ऑप्शन ये क्या बोल रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है गिव्स नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी इसको जो बनाते हैं वो कंपनी का नाम रहते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन कहते हैं रिपीटेड विद इन 4 मीटर, 4 मीटर पे इसको दोहराया जाता है, ब्रांड का नाम, तारीख, कौन सा कंपनी वाले बनाए हैं। तो जब ये तीनों ऑप्शन सही है तब तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा बताइए, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ रेल नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन अपॉन बट आल्सो ऑन द मैक्सिमम एक्सल लोड मूविंग ओवर इट। तो देखिए ये क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइए। कहता है कि ये क्वेश्चन कहते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाइफ ऑफ रेल नॉट ओनली डिपेंड अपॉन दी डैश बट आल्सो दी मैक्सिमम एक्सल लोड मूविंग मूवर न सॉरी ओवर इट। तो देखिए कहता है कि लाइफ ऑफ रेल नॉट ओनली डिपेंडेड अपॉन, यानी कहता है कि सिर्फ रेल का लाइफ जो है डिपेंड नहीं करता है, इसका डिपेंड और एक चीज़ पे करता है। वो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं रेल की लाइफ? तो वो जो है जीएमटी के ऊपर निर्भर करते हैं। रेल की लाइफ जो है जीएमटी के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन अपने भोजन पे निर्भर करते हैं, आप जितना अच्छा भोजन खाएंगे उतना अच्छा आप लाइफ जिएंगे। उसी प्रकार इसका जो है मैक्सिमम लोड, जितना इसका ज़्यादा लोड रहेगा उतना कम इसका जीवन रहेगा, जितना कम लोड रहेगा उतना ज़्यादा इसका जीवन रहेगा। तो जीएमटी के ऊपर, यानी जीएमटी का फुल फॉर्म तो ग्रॉस मिलियन टन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लाइफ ऑफ रेल नॉट ओनली डिपेंडेड अपॉन द डैश बट आल्सो द मैक्सिमम एक्सल लोड, यानी कहता है कि रेल सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, वो और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वो जो है जीएमटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनका उत्तर हो जाएगा जीएमटी। जीएमटी करता है ग्रॉस मिलियन टन। जैसे हमारे मनुष्य का शरीर जो है भोजन के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना अच्छा भोजन खाते हो उतना अच्छा आपका शरीर रहेगा। उसी प्रकार ये जो है रेल जो डिपेंड करते हैं जीएमटी में, इसमें जितना कम जीएमटी जाएगा उतना अच्छा, ज़्यादा जीएमटी जाएगा तो रेल ख़राब हो जाता है उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट स्लीपर्स मस्ट कॉमनली यूज्ड इन ट्रैक आर, यानी कंक्रीट स्लीपर का प्रयोग ट्रैक में कौन से कंक्रीट स्लीपर का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाते हैं, देखिए प्रेस्टेड कंक्रीट स्लीपर का प्रयोग किया जाते हैं। फ्लैट बॉटम स्लीपर, ये फ्लैट बॉटम स्लीपर होते हैं तो ये होते हैं पीएससी एंड वुडन स्लीपर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि स्लीपर मस्ट सुटेबल फॉर मॉडर्न ट्रैक। मॉडर्न ट्रैक में किस प्रकार के स्लीपर का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक ट्रैक में किस प्रकार के स्लीपर का प्रयोग किया जाता है? तो भाइयों आप लोग भी बताइए कि इसमें आधुनिक में किस प्रकार के स्लीपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा डी नंबर उत्तर हो जाएगा, पीएससी स्लीपर का प्रयोग किया जाता है आधुनिक ट्रैक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर बेस्ट सुइटेड फॉर ट्रैक सर्किट एरिया। कहता है कि ट्रैक सर्किट एरिया में कौन सा स्लीपर सूट करेगा? तो आप लोग बताइए कि ट्रैक सर्किट क्षेत्र में कौन सा स्लीपर सूट करेगा? तो पीएससी एन वुडन स्लीपर सूट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रॉस सेक्शन ऑफ नॉर्मल पीएससी ट्रैक स्लीपर, एंड क्रॉस सेक्शन। अभी देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिकंदराबाद में पूछे गए एंड क्रॉस सेक्शन और पीएससी ट्रैक स्लीपर। तो एंड क्रॉस सेक्शन जो होता है नॉर्मली कैसे होते हैं, एंड क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इन क्रॉस सेक्शन जो नॉर्मल लिखे हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा भाई साहब, मैं इसको ज़्यादा लाल से हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मल यहाँ पे अगर नॉर्मल रहे इन क्रॉस सेक्शन का स्लीपर, साधारण तौर पर पीएससी स्लीपर का किस तरह के होते हैं? तो आप देखिए ये 50 नंबर का जो उत्तर दिया, 50 नंबर का उत्तर जो दीजिएगा, ये दीजिएगा ट्रापेजोडियल, ट्रेपेजोडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉइंट क्रॉसिंग, ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि इन क्रॉस सेक्शन पढ़े थे वो नॉर्मल पीएससी स्लीपर में पढ़े थे। आप देखिए इन क्रॉस सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? तो इन क्रॉस सेक्शन जो पढ़ रहे हैं पॉइंट एम क्रॉसिंग में। तो पॉइंट क्रॉसिंग का कैसे होते हैं भाइयों, बताइए आप लोग उत्तर। तो पॉइंट क्रॉसिंग के जो होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट क्रॉसिंग का कैसे होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। और नॉर्मल का कैसे होता है? तो जो होता है ट्रेपेजोडियल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ रेल टू स्लीपर्स फास्टिंग्स आर। देखिए अब ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका हो जाएगा क्या होता है कि अभी पढ़ेंगे पूरे ऑप्शन तभी इसका उत्तर पता चलेगा। अगर ऑल राइट तो पूरे ऑप्शन पढ़ना ही पड़ता है, हो सके एक से ज़्यादा भी उत्तर इसका हो जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन इन्हें कह रहा है कि रेल फ्री फास्टिंग्स होना चाहिए, रेल फ्री फास्टिंग होना चाहिए तो ये भी सही है। रिजिड फास्टिंग्स होना चाहिए, ये भी सही है। इलास्टिक फास्टिंग्स होना चाहिए तो ये भी सही है। इसका मतलब है ये सभी उत्तर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टिंग्स यूज्ड इन पीएससी ट्रैक रोडार, यानी ये कहते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार के ट्रैक में किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो होते हैं किस तरह के होते हैं, तो ये होता है इलास्टिक फास्टिंग्स होते हैं, इसका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है ERC क्या है, तो आप लोग बताइए कि ERC क्या है। तो ERC जो है इलास्टिक फास्टिंग्स है, ERC क्या है इलास्टिक फास्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील चैनल स्लीपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग बताइए इसका क्या आता है। स्टील का प्रयोग स्टील में क्या आता है, यानी स्टील गार्डर ब्रिज में क्या आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। हुक बोल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हुक बोल्ट इज ए फिटिंग्स यूज एट, हुक बोल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो कहता है गार्डर ब्रिज पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा गार्डर ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्प्रिकल वाशर का प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, तो स्प्रिकल वाशर का प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, इंसिलेंड प्लांट्स इन पीएससी एंड पॉइंट एंड क्रॉसिंग, यानी पीसी मतलब पॉइंट एंड क्रॉसिंग में आता है, तो स्प्रिकल वाशर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लीपर डेंसिटी क्या है, स्लीपर डेंसिटी जो होते हैं वो किस कैसे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स पर केजी, यानी एक किलोमीटर में कितना स्लीपर है उसके ऊपर स्लीपर डेंसिटी करते हैं, तो एक किलोमीटर में कितना स्लीपर है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं स्लीपर डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्लीपर डेंसिटी ऑफ 1660 पर किलोमीटर गिव्स ए स्पेसिंग ऑफ, यानी अगर स्लीपर डेंसिटी एक किलोमीटर में 1660 स्लीपर लगाते हैं तो इसका स्पेसिंग क्या देना चाहिए, तो याद करिए ना ट्रिक से, 60 में 60, 60 में 60, 60 में 60, 60 में 60, यानी 60 सेंटीमीटर। हम देखिए भाई स्लीपर याद कर ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, वो ऐसा पढ़ने कैसे भी याद करना है क्वेश्चन, ये भी चीज़ समझिए हमको, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो मतलब नहीं है, याद करने से मतलब है। कहता इफ स्लीपर स्पेसिंग इज 65 सेंटीमीटर देन स्लीपर डेंसिटी पर किलोमीटर इज, कहता है अगर स्लीपर डेंसिटी 65 सेंटीमीटर रहे पर किलोमीटर में तो इसका स्पेसिंग हम क्या देंगे, तो 65 रहेंगे तो 1540 स्लीपर हम देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमारे टीम सभी 5-6 लड़के अच्छे से मैनुअल को इंग्लिश हिंदी का ऑब्जेक्टिव में आप लोग का लाइक देख करके सब्सक्राइब देख करके पूरे अच्छे से ऑब्जेक्टिव बनाए और आप लोग के समक्ष वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।